पहला क्वेश्चन है हमारा विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ फेज सेकेंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित ऑप्शन में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि फेज सेकेंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आती है ठीक है पहला ऑप्शन आपका एसिटाइलेशन दूसरा ऑप्शन है मेथाइलेशन तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन और चौथा है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है ऑक्सीडेशन देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लाइजेशन डिसाइक्लाइजेशन ये सारी फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है फेज फर्स्ट या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन और बाकी के यहाँ पर जो तीन है हमारी एसिटाइलेशन, मिथाइलेसन और ग्लाइसिन कांजुगेशन ये सारी फेज सेकेंड रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन आपको यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है पहला ऑप्शन आपका एल्ब्यूमिन दूसरा ऑप्शन है ग्लोब्योलिन तीसरा ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन और चौथा ऑप्शन है ग्लूको प्रोटीन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ग्लूको प्रोटीन ठीक है देखिए तीन प्रोटीन तो हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन लाइपोप्रोटीन लेकिन ग्लूको प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाई जाती ओके अगला क्वेश्चन है हमारा एल्कोहल इंड्यूस मेटाबोलिज्म बताना है कि एल्कोहल के द्वारा किस ड्रग की मेटाबोलिज्म को इंड्यूज किया जाता है पहला ऑप्शन आपका फेनीटोइन दूसरा ऑप्शन है निकोटीन तीसरा ऑप्शन है टॉलब्यूटामाइड और चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टीरोन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो है, ठीक है और फेनीट कैसी ड्रग है एंटी इपिलिप्ट ड्रग है अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज हाइएस्ट परफ्यूज आपको यहां पर बताना है कि किस ऑर्गन की सबसे ज्यादा परफ्यूजन रेट होती है पहला ऑप्शन आपका लीवर दूसरा ऑप्शन है किडनी तीसरा ऑप्शन है लंग्स और चौथा ऑप्शन है ब्रेन दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी आरबी फार्मासिस्ट से लेकर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ठीक है तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है लंग्स लंग्स की सबसे ज्यादा हाइएस्ट परफ्यूजन रेट होती है ओके अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर बताना है इन चारों ड्रग में से किस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है पहला ऑप्शन आपका वारफेरिन दूसरा ऑप्शन है क्लोरोक्वीन तीसरा ऑप्शन है डाजीपाम और चौथा ऑप्शन है एस्पिरिन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन का इन चारों ड्रग में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है आपसे हिट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इनमें से कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का नहीं है पहला ऑप्शन आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल दूसरा ऑप्शन है कुफर सेल्स तीसरा ऑप्शन है लूप ऑफ एनले और चौथा ऑप्शन है डी सी टी दैट मीनस डिजिटल कन्वर्लटेड ट्यूब्यूल ठीक है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी जो कि है कुफर सेल्स देखिए प्रोक्जिमल ट्यूब्यूल लूप ऑफ मेनले डी सी टी कलेक्टिंग डेट ये चार पार्ट में डिवाइड होता है हमारा नेफ्रॉन और जो कुफर सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन साइड द लीवर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस देती हैं ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इंगल्फ करती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा विच ड्रग इज कन्वर्टेड टू पैरासिटामॉल आफ्टर एरोमेटिक हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ड्रग हमारी आफ्टर एरोमेटिक हाइड्रोक्सीलेशन पैरासीटामॉल में कन्वर्ट होती है पहला ऑप्शन है, है आपका कैटिकॉल दूसरा ऑप्शन है सेलिसिक एसिड तीसरा ऑप्शन है एसिटानिलाइट और चौथा ऑप्शन है आपका फिनाइल ब्यूटाजोन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है एसिटानिलाइट ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा विच आयन इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपको बताना है ऐसे आयन को जो किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है पहला ऑप्शन है आपका सोडियम आयन दूसरा ऑप्शन है क्लोराइड तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयन और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है मैग्नीशियम ये किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है ओके अगला क्वेश्चन है आपका द ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट वॉज पास इन आपको बताना है कि ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट जो है हमारा वो कब पास हुआ था पहला ऑप्शन आपका 1948, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है नाइनटीन 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास हुआ था ठीक है और 1948 में क्या फार्मेसी एक्ट पास हुआ था हमारा और 1985 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट हमारा पास हुआ था ओके अगला क्वेश्चन है आपका वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकिल इज डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन चारों चीज़ों में से हम किस चीज़ को इंक्रीज करके व्हीकिल की वेटिंग एबिलिटी को कम कर सकते हैं ठीक है पहला ऑप्शन आपका कॉन्टैक्ट एंगल दूसरा ऑप्शन है एंगल ऑफ रिपोज तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल एंगल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है कॉन्टैक्ट एंगल ठीक है कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज करके व्हीकल की वेटिंग एबिलिटी या वेटिंग प्रॉपर्टी को हम डिक्रीज कर सकते हैं देखिए यहां पर ऑप्शन में आपके एंगल ऑफ रिपोज भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए ठीक है तो इसको भी याद रखना आप अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ सस्पेंशन देन इट्स इंटेंसिटी इज डिक्रीज ड्यू टू आपको यहां पर बताना है कि अगर हम किसी लाइट को सस्पेंशन से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है इसका क्या कारण है पहला ऑप्शन आपका बोथ स्कैटरिंग एंड डिफ्रेक्शन दूसरा ऑप्शन है बोथ स्कैटरिंग एंड एब्जॉप तीसरा ऑप्शन है बोथ डिफ्रेक्शन एंड एब्जॉप चौथा ऑप्शन है एब्जॉपन ओनली तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है बोथ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन देखिए जब सस्पेंशन के अंदर लाइट को हम इंटर करवाते हैं तो वहाँ पर लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड होती है क्योंकि सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट को स्कैटर करते हैं ठीक है और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होने का कारण क्या है बोथ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ओके अगला क्वेश्चन है आपका ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डॉट 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 सेडिमेंटेशन आपको बताना है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनकी सेडिमेंटेशन रेट पे क्या इफेक्ट डालता है अगर सीधे लब्जों में हम कहें तो ब्राउनियन मूवमेंट और सेडिमेंटेशन का क्या रिलेशन होता है आपस में पहला ऑप्शन है आपका ब्राउनियन मूवमेंट सेडिमेंटेशन को असिस्ट करता है दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट करता है तीसरा ऑप्शन है प्रमोट करता है और चौथा ऑप्शन है कोई इफेक्ट नहीं डालता तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है प्रिवेंट ब्राउनियन मोमेंट जो होता है वो पार्टिकल के सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करता है दैट सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ओके okay? अगला क्वेश्चन है आपका द डिप ट्यूब इन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि जो एरोसोल कंटेनर होते हैं उसके अंदर जो डिप ट्यूब होती है वो किससे बनी होती है पहला ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम दूसरा ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है ग्लास तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा इफ अ ड्रग सो स्मॉल वी डी इट इज लाइकली दैट दिस ड्रग आपको यहां पर बताना है कि अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पहला ऑप्शन है आपका हैज अ शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ दूसरा ऑप्शन है आपका डजेंट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन तीसरा ऑप्शन है आपका नॉट बायो अवेलेबल चौथा ऑप्शन आपका विल नॉट बी इफेक्टिव तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन देखिए ध्यान से समझिए अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही स्मॉल है तो वो ड्रग किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगी ओके okay? अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्जुगेशन इज आपको यहां पर बताना है कि कॉन्जुगेशन क्या है पहला ऑप्शन आपका प्रोसेस ऑफ ड्रग रिडक्शन बाई स्पेशल एंजाइम दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाई स्पेशल एंजाइम तीसरा ऑप्शन है कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद इंडोजीनियस सब्सटेंस और चौथा ऑप्शन है साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है कपलिंग ऑफ अ ड्रग विद इंडोजीनियस सब्सटेंस देखिए हम कॉन्जुगेशन कहें या फेज टू रिएक्शन कहें या सिंथेटिक रिएक्शन कहें बात एक ही है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है वो बॉडी के इंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ कपलिंग करती है और हमारी बॉडी के अंदर ड्रग के नए मेटाबोलाइट्स को बनाती है और दूसरे जो ऑप्शन है हमारे पहला दूसरा और चौथा ये सारे फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन कहें या कहें नॉन सिंथेटिक रिएक्शन ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका वाटर फॉर इंजेक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस आपको बताना है कि वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसको हम किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं पहला ऑप्शन है आपका कंडक्टिविटी मेथड दूसरा ऑप्शन है ग्रेवी मेट्रिक मैथड तीसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस या डिस्टिलेशन इसके द्वारा ही हम वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करते हैं अगला क्वेश्चन है आपका अ नॉन एक्वस वाटर इमिसिबल वेहिकल फॉर पेरेंटल्स आपको यहां पर बताना है कि पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए किसी नॉन एक्वस और वाटर इमिसिबल वेहिकल को आपको यहां पर डिनोट करना है पहला ऑप्शन है आपका रिंगर सोल्यूशन दूसरा ऑप्शन है ग्लिसरीन तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल और चौथा ऑप्शन है आइसो मेरिस्टेट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है प्रोफाइल मेरिस्टेट ये हमारा ऐसा वहीकिल है जो कि नॉन एक्वस एंड वाटर इमिसिबल व्हीकिल की तरह यूज किया जाता है ओके अगला क्वेश्चन है आपका परसेंट डिग्रेडेशन टिल एक्सपायरी डेट विल बी आपको बताना यहां पर कि ड्रग का कितना परसेंट भाग डिग्रेड हो जाता है उसकी एक्सपायरी डेट तक ठीक है सीधे शब्दों में आपसे यहां पर एक्सपायरी डेट या टी नाइनटी के बारे में पूछा गया है और कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक्सपायरी डेट तक ड्रग का कितना भाग डिग्रेड हो जाता है पहला ऑप्शन आपका 90% परसेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दूसरा ऑप्शन है 10% परसेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है 50% परसेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और चौथा ऑप्शन है 80% परसेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है टेन परसेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ड्रग की एक्सपायरी डेट को हम उस डेट तक रखते हैं जब तक कि उसका दस परसेंट उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन के डिग्रेड ना हो जाए ठीक है जहां तक दस परसेंट भाग डिग्रेड हो जाता है वही उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है ठीक तो कहने का मतलब यह है कि ड्रग का नाइन्टी भाग रिमेन बचता है ठीक है नाइन्टी परसेंट जो होती है उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन के रिमेनिंग बच जाती है दस भाग डिग्रेड हो जाता है उसकी एक्सपायरी डेट तक ओके

इेबल ग्रुप ऑफ ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ड्रग का ग्रुप होता है ठीक है वो किस चीज के लिए होता है पहला ऑप्शन आपका द पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी दूसरा ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तीसरा ऑप्शन है आपका द एबिलिटी टू डिफ्यूज टू द साइट ऑफ एक्शन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ध्यान से करिएगा इसको